हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम से और मैं अपने कॉलेज से ही शुरुआत कर रही हूँ। बच्चे जो है ऑलमोस्ट घर जा चुके थे, थोड़े बहुत बच्चे बचे थे और ये भी आईटी के बच्चे थे, तो इनके साथ ही हमने थोड़ी देर जो है पिछले दिन ही होली खेल ली थी। तो जी अभी मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से वापस और ये रहा आदित्य, जिसने आज मैं जितना पढ़ाई करने के लिए दी थी उसमें से एक पढ़ाई कम की है ना, एक पेज करना है। अब करोगे ना वैसा ही साफ साफ सुंदर सुंदर। बाकी 5 बज गए क्योंकि मैं थोड़ा रुक गई थी, मैंने थ्रेडिंग वगैरह करवाई, आईब्रोज मतलब आईब्रो थ्रेडिंग करवाई और अपर लिप्स भी करवाए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था। और अभी बज चुके हैं 5, तो मैंने तनु को बुला लिया था मुझे लाने के लिए। पहले मेरी ये दोनों आईब्रो ना प्रॉपर ऐसी थी, मतलब सेम थी, अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि ये आईब्रो मेरी थोड़ी सी ऐसे ऊपर हो गई है और ये थोड़ी सी नीचे हो गई, मतलब ये थोड़ी गोलाई में है और ये थोड़ी सीधी हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। ऐसे करो तो ठीक आती है, पर ऐसे नॉर्मल रहो तो फिर ऐसे होती है। तो ये तो आज बहुत सारी जगहों पे होली आज ही खेली है, हमने भी इंस्टीट्यूट में होली आज ही खेली है। थोड़े थोड़े कलर जो है मेरे बालों में, ये देखो येलो येलो यहाँ पे हल्का हल्का सा है, यहाँ पे भी है। तो बाकी जगहों पे भी कई जगह होली आज ही खेली है, बट एक्चुअल छुट्टी जो है हम लोगों को हिमाचल में वो कल है होली की। इसका पता नहीं क्या सीन चला हुआ है अपना, ओ नो करी जा रही है। तो ये है, बाकी होली हम कल खेलेंगे ना। पिचकारी भी लाए है ना बड़ी वाली, यह रुकी है मेरे ऊपर, चाचू ने इससे पानी डाल दिया था। कब डाला था? जो मैं टैप देख रहा था। अच्छा, अभी तो नहीं है इसमें पानी? है थोड़ा थोड़ा, अंदर नहीं गिराना है बेटा पानी, फिर पैर फिसलता और गिरते होता है ना ऐसा। तो जी ये व्लॉग आपको शायद होली वाले दिन मिले, या हो सकता है कि होली से नेक्स्ट डे मिले, तो जब भी मिले तब आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि जितने रंग इस दुनिया में है उतने रंगों भरी आपकी जो दुनिया लाइफ है वो रहे, रंग बिरंगी सी, है ना, ब्लैक एंड वाइट लाइफ ना हो किसी की, कलरफुल लाइफ हो सबकी। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अब कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और हैप्पी होली। फॉर टुमारो हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली। आरु अब भी बोलो हैप्पी होली, बोलो हैप्पी होली। आरु इस पानी को फेंक के आओ, चलो। ओके। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज के ब्लॉग में भी। तो आज है ट्यूसडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 8:30 बज चुके हैं। मिर्चें गिर गई, उनको उठा लो पहले। तो शाम के जो है 8:15 हो गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो फिर दिमाग में आया चलो मटर पड़े तो मटर पुलाव बना लेते। उसके अलावा एक सब्जी थी एक्स्ट्रा, वो थी गाजर। 2-3 गाजरें पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो गाजरों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। बाकी थोड़ी सी मैंने न्यूट्री जो है गर्म पानी में सोख करके रखी थी, तो न्यूट्री, आलू, मटर एंड गाजर, इन चीज़ों से हमारा जो पुलाव है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो फ़ोन जो है धीरे धीरे खुद ही खिसकता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की जो शुरुआत है वो भी कर देते हैं। बहुत से लोगों ने होली आज खेल ली है, बहुत से लोग होली कल खेलेंगे, यानी कि आज है 7 तारीख। मेन होली जो दिखा रहे हैं वो 8 तारीख को दिखा रहे हैं, अब पता नहीं होली है कब। तो तनु को भेजा है दही वगैरह लाने के लिए और देखती हूँ, अगर उसको मैंने बोला था धनिया लेके आना, धनिया भी नहीं मिला, उसको बोला था अदरक लेके आना, अदरक भी नहीं मिला है क्योंकि वो लेट आया, तो फिर मुझे खुद को भी ध्यान देना नहीं कि ऑफिस से आते वक्त अगर मैंने सब्जी ले ली होती है सारा सामान तो आराम से आ जाता। मेरा मन कर रहा था कि सिद्धू बनाऊँ, तो वो आइडिया तो मेरे को फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अदरक के बिना भी क्या है ना, मतलब लहसुन अदरक तो चाहिए होता है, लहसुन तो है बट अदरक नहीं है। तो उर्वी को बाहर बिठाया, वो खा रही है नमकीन। आदित्य की छुट्टी थी आज तो वो अपना फ़ोन में लगा हुआ है और नीरज जी आजकल लेट ही आते हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है, तो ऐसा ऐसा है। तो चलिए जल्दी से मैं पुलाव बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सोते हो
आज हमने गर्मी डिक्लेयर कर दी है, आज हमने गर्म बेडशीट बिछा दी है ना। रजाई चाहिए कि चाहिए नहीं? नहीं, रजाई तो चाहिए। हाँ, आप कहे तो रजाई भी हटा के सिर्फ एक शीट जैसी दी जाए आपको। है मुंह में क्या है इसके? मुंह में क्या है? ग्रीन ग्रीन सा किया मुंह। अच्छा, मटर खा रही है। हाँ, मटर खा रही है। इस रूम की भी कर दी है चेंज बेडशीट, उस रूम की भी कर दी है। बाय बाय अरू, बाय, अच्छे से खेलना होली, ओके। पिचकारी सिखा भी देना इसको चलती कैसे। सारा खत्म हो जाएगा ऐसे। बाय आदित, अभी नहीं चला बेटे। बाय आदित, नहीं आप जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ये जा रही है पूरी व्हाइट कलर के कपड़े पहन के होली खेलने। साइड साइड में चलना। तो जो सुबह के 9 बज गए हैं और ये गए हैं होली खेलने के लिए। 10 बज गए, 9 कह रहे हैं, 10 बज चुके हैं, होली खेलने चले गए। एक भी कर रहा है तैयारी, गुब्बारे भर रहे हैं पानी के। कुछ कुछ तो बड़े बेकार गुब्बारे हैं ना। मैं बताऊं तेरे को एक सॉल्यूशन। हाँ, सब जा चुके हैं होली खेलने के लिए, मैं बची हूँ घर पे अकेली। तो अभी जो है सिड्डू बनाने हैं आज। तो दाल जो है उड़द की मैंने रात में भिगो के रख दी थी, और आटा तो वैसे ईस्ट यूज़ करो तो 1-1.5 घंटे में भी हो जाता है, बट मैंने वो भी रात में ही गूंद के रख दिया था ताकि अच्छे से हमारे सिड्डू जो है जालीदार बने। तो चलिए अभी मसाला रेडी कर लेती हूँ, और बाप बेटी दोनों आ गए वापस होली खेल के, बड़ी जल्दी आ गए। अरे 2 मिनट तो हुए नहीं थे गए हुए, ये तो बड़ी जल्दी आ गए वापस। डर रही है? हेलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो। अब जाके साथ आई इसको। रो रही थी? रो रही थी? देखो भी सारे काले पीले बन के घूमे, पता नहीं क्या ही हो गया तुम्हें। करो है मम्मा का हुआ तो यहाँ पे घर के बाहर आप देख सकते हैं होली का जो माहौल है कुछ इस तरीके से। घर के आसपास ना पीजी वगैरह ज़्यादा है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत खूब मतलब जो है होली खेल रहे थे। और खैर हम तो ज़्यादा होली खेलने गए नहीं, क्योंकि एक तो मेरे को सर्दी जुकाम ऊपर से एलर्जी बहुत सारे इशू चल रहे थे ऑलरेडी। तो जी ये रही मेरी परी जो कि नहा के रेडी हो चुकी है, बलून उठाए हाथ में। हाँ इधर आना मेरे पास, खेलो खेलो, भागो यहाँ से। इसको तो मैंने कपड़े कुपड़े पहना के नहला के कर दिया रेडी। और सिड्डू जो है वो भी हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, बच्चे खा भी चुके हैं। बच्चे मतलब उर्वी खा चुके हैं, नीरज खा चुके हैं। आदित को लेने के लिए गए, नीरज अभी अपने दोस्त के घर गए होली खेलने के लिए, तो उसको लेने गए। और मैं भी सोचूं कि मैं भी खा ही लेती हूँ अब। और आज वाले पिछले कंपैरिजन में अच्छे बने, तो अब जो है आज तो खैर मैंने रेसिपी शूट नहीं करी है, बट अब इसके बाद जब भी मैं बनाऊँगी, अब मेरे को परफेक्टली बनाने आ गए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तो आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। हो गए ऐशनी, ऐशनी ऐसे लेटो ऐसे। हाँ चलो मैं भी आ रही हूँ। हाँ तो जी मेरा अरु का हम सब का नहाना धोना हो चुका है, नीरज गए हैं धाम खाने कहीं पे, आदित अपने दोस्त के घर चला गया फिर से नहा धो के कपड़े चेंज करके। और अभी हम यहाँ पे धूप आ रही है अच्छी खासी बेड पे, मैं और अरु यहाँ सोएंगे। आओ आओ मेरे पास आओ। अरु ने भी डुड्डू पी लिया, पी लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के जो है 7:50 हो गए हैं, यानी कि 8 बजने वाले हैं। और सुबह सुबह मैं छत पे इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारी जो टैंकी है वो हो चुकी है खाली, तो यहाँ से मैंने पाइप जोड़ी है। अभी तो भरना तो खैर मुश्किल काम है, बट हाँ ये है कि गुजारे लायक जैसा हो जाए वो भी काफ़ी है, क्योंकि
बिल्कुल खाली हो गई, अभी जब मैं बर्तन धोने लगी तो बिल्कुल ही खाली होगी, पहले था भी थोड़ा बहुत पर बिल्कुल खाली होगी। चाय चढ़ा के आई हूँ, ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट टिफिन के लिए जो भी खाना चपाती वगैरह बना के आई हूँ। सब्जी हमने शाम को ही बना दी थी सुबह के लिए, और एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया क्योंकि कल रात को ना तूफान आया था। वैसे ठंड तो नहीं हुई है, मौसम तो एकदम साफ है, आसमान साफ है, और कहते हैं ना होली के बाद जो है गर्मियाँ शुरू हो जाती है, गर्म मौसम शुरू हो जाता है, तो देखते हैं। बट आज ना आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ, बादल कहीं से कोई नामो निशान नहीं है। सामने की तरफ जो कांगड़ा दिखता है वो भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आया, आगे आगे तक की पहाड़ियाँ साफ नज़र आ रही है। तो ऐसा ऐसा है आज का अपडेट। और ज़ुकाम फिर से शुरू हो गए, ठीक ही नहीं हुआ था, अभी कान बंद ही था तब तक दोबारा मुझे ज़ुकाम आ गए। अब खतरनाक वाला है, छींको वाला। वैसे तो छींको वाला ज़्यादा सही रहता है, पर ठीक है, नाक बह भी रही है तो क्या पता इसी बहाने मेरा कान जो है वो खुल जाए। अभी भी बंद ही है, इरिटेशन लेवल पार हो चुका है मेरा। तो जी नेक्स्ट डे है और अभी शाम के और चल 10 बज रहे हैं, 7:15 हुए, 7:15। और मैं, उर्वी और आदित हम गए थे। आदित हम कितने बजे गए थे? 6 बजे। कितने बजे गए थे हम? 6:30 बजे निकले थे। नहीं, सॉरी, 6:15 बजे निकले थे। 6:15। और अभी आए हम लोग घूम के वापस, मैं, उर्वी और आदित। आज हमने एक घंटा हो गया। हाँ, आज हमने बहुत सारी कैलोरीज, आदित फ्रिज से आटा निकाल के रख दो बाहर, आज हमने बहुत सारी कैलोरीज जो है वो बर्न की है। बहुत चल के आए हम लोग, ज्यादा नहीं तो 2 किलोमीटर चले होंगे ना, 2 किलोमीटर। उस 2 किलोमीटर में चढ़ाई उतराई सब कुछ था, और हमने सोचा कि जब हम आएंगे तब तक लोग घर पहुंच चुके होंगे, बट ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, कोई भी घर नहीं आया था। ये रही उर्वी। उर्वी हाय कर दो, हाय। आलू हाय कर दो, खोली। मैं खोल दूंगी, कोई बात नहीं, खोली। अरे आदित